अच्छा सर, बाकी के बच्चे ड्रीम इलेवन की टीम क्या बना रहे हैं। क्या सर, बाकी के बच्चे ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हैं। करोगे? मेरे को ये बताओ कि लास्ट टाइम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था? सर, पावर शेरिंग कंप्लीट हो गए थे। पावर शेयरिंग कंप्लीट हो गया सर, सर, पावर अब शेयरिंग कंप्लीट हो गया था। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म नियर ऑफ करना है, ठीक है कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। ओके, तो इसमें हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू है तो ओवरव्यू तो हम पढ़ेंगे ही, ओवरव्यू जो हमें बताएगा कि इस चैप्टर में क्या है। उसके बाद थीम ऑफ फेडरिक स्यूरोस पेंटिंग, ये पेंटिंग जो हम देख रहे हैं सामने, ये क्या इसकी थीम है, क्या ये हमें बता रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसका आइडियलाइजेशन वो हम देखेंगे। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उस रेवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म पूरे यूरोप में कैसे फैला। फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन, कब से कब तक ये रेवोल्यूशन रहे हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी कैसे बने, कैसे ये एज अ कंट्री और द होल आगे अब चले हैं। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में हम बात करेंगे, ब्रिटेन का केस थोड़ा अलग है, कैसे वो एक कंट्री बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा हम पढ़ेंगे। विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को हम विजुअलाइज करेंगे कैसे ये चीजें उसमें हो रही हैं। फिर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसके बारे में बात करेंगे, नेशनलिज्म क्या होता है और इंपीरियलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम पिक्चर देख रहे हैं, किसी ने ये पिक्चर पहले देखी है? सर, ये 10 to the power n टाइम्स यस देख सर। चुके हैं हम लोग। अच्छा, तो कोई बता सकता है मेरे को कि इसका क्या मतलब है, क्या है ये पिक्चर में? रुको सर, इस पिक्चर में बताया जा रुको रहा है रुको रुको कि रुको रुको कैसे जो रुको डिफरेंस। रुको, पूछने तो दो, कोई बता सकता है? उत्कर्ष, वैभव, चल तो पहले उत्कर्ष तू बता, बाकी और कोई बच्चा नहीं है, सर, इसमें बस यही बच्चे हैं। आउट ऑफ 27 जस्ट टू स्टूडेंट, बाकी किसी ने पिक्चर पहले से नहीं देखी है? आदित्य, अक्षिता, अमान, अमन, अनुभव, अनुराग, अशर और ये जितने बच्चे बाकी, चलो ये यू और वी ही बताएंगे। यू एज इन उत्कर्ष, वी एज इन वैभव। सर, तो ये जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे जो डिफरेंट नेशन है, मतलब डिफरेंट नेशन है उस समय के, वो नेशन स्टेट बन रहे हैं धीरे धीरे। तो सर, जो पीपल हैं, जो मतलब जो कंट्री रिप्रेजेंट की गई है, वो फ्लैग और जो पीपल नेशनल कॉस्ट्यूम है, उससे एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। सर, अगर एकदम स्टार्टिंग में देखे जाए तो बहुत छोटा है और अभी इसमें विजिबल नहीं है शायद। तो स्विट्जरलैंड और यूएसए हैं जो उस समय नेशन स्टेट बन चुके हैं, मतलब 1848 के टाइम पे। और सर, ये बेसिकली दिखा रहा है कि ये सर बेसिकली एक उसकी ड्रीम थी, मतलब उस समय पे जो फ्रेडरिक सोल्यू थे, उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड सोचा था जहाँ पे सारे कंट्रीज में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगी, जो एक यूटोपियन विजन था। तो उसी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया। तुम बताओ। सर, यहाँ पे एक्चुअली फ्रेडरिक सोरियो जो है वो एक यूटोपियन विजन को इमेज कर रहे थे, और उन्होंने अपने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट में से फर्स्ट प्रिंट में उन्होंने डेमोक्रेसी जैसे, मतलब इन्होंने नेशन स्टेट का सपना देखा है। और उन्होंने जो है सारे के सारे जो भी नेशन, मतलब जो भी टेरिटरीज हैं
जहां पर बड़े बड़े एम्पायर्स बने हुए हैं उनको एक्चुअली उन्होंने नेशन स्टेट के बनने के प्रोसेस की जो रेस हो रही है उसमें उन्होंने सबको एज अ ट्रेन के तरह सबको जो है डिपिक्ट किया है, जहां पे जो फिनिशिंग लाइन है वो फिनिशिंग लाइन जो है वो उसे सिंबलाइज कर रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। और सर जैसे जैसे जो जो नेशंस मतलब जो जो देश जो है उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं वो जो है नेशन स्टेट बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ सर जो नीचे टूटे हुए मतलब कबाड़ टाइप जो पड़ा हुआ है नीचे में वो एक्चुअली ऑटोक्रेसी मतलब जो ऑटोनॉमिक रूलर्स थे जो कि एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स थे, एरिस्टोक्रेसी क्लास था, उसके जो कंट्रोल मतलब उनका जो रूल था उनका रेन था वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए वहां पे जो नोबिलिटी से रिलेटेड चीजें थी वो टूटी फूटी वहां पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ऊपर में जो सर उन्होंने एंजल्स को बनाया हुआ है वहां से वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जो एंजल्स है जो गॉड है जीसस क्राइस्ट है वो भी यही चाहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बन जाए और फ्रेटर्निटी आए सब सारे इन नेशन स्टेट्स के बीच में, तो वो उसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो हमें याद रखना है कि ये जो जो भीड़ है, ठीक है, ये आप इसमें देखेंगे तो वो एक नेशन, एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक फ्लैग के थ्रू दर्शाया गया है कि एक पूरा नेशन जो है वो इस फ्लैग उसको वो डिनोट कर रहा है। और जैसे जैसे ये फ्लैग्स आगे बढ़ रहे हैं पीछे वाले फ्लैग्स भी उसी रो में बढ़ते जाएंगे। मतलब आज जैसे कि अगर हम यूएस की बात करें तो अगर वहां पर डेमोक्रेसी की बात आ रही है, वहां पर डेमोक्रेसी आ रही है, तो बाकी के भी पीछे पीछे जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं उन सब में भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो सर यूएसए नेशन स्टेट बना था जब उसमें उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ लुई 16। सर 1783 में उन्होंने जो है भगा दिया था ब्रिटिशर्स को। 1775 से 1773 तक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था। ठीक है, ओवरव्यू पढ़ना है तो ओवरव्यू कौन बच्चा पढ़ेगा? अश्मित बोल रहा है, वैभव बस और को पढ़ना नहीं चाहता। शांभवी शांभवी मौर्य, रुक जा अभी तनिष बेटा। सुमन कुमार, पीयूष ठाकुर, पढ़ यस बेटा। सर। ओवरव्यू। द चैप्टर विल डील विद द मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन द फिगर। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. The end result of this change was the emergence of the nation-state in the place of the multinational dynastic empires of Europe. The concept and the practices of modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was in which the majority of citizens and
not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist for time immemorial. It was forged through struggles, through the action of the leader and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation state and the nationalist came into being in 19th century Europe. ये हमें पूरा चैप्टर बताता है कि कैसे एक एक जो इश्यूज विजुअलाइज किए जा रहे हैं स्यूरो के द्वारा, ठीक है, 19th सेंचुरी के आसपास, उस उनके थ्रू कैसे नेशनलिज्म एमर्ज किया कंट्रीज में, कैसे उन स्टेट्स को एहसास हुआ कि जो डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है कंट्रीज के लिए और हमें एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक स्टेट बनाना चाहिए, ठीक है, और कैसे ये चीजें इसमें परफॉर्म हुई। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो डाइवर्स प्रोसेस है जिसमें जो नेशन स्टेट या नेशनलिज्म जिससे वो कैसे 19th सेंचुरी का पूरा यूरोप में वो धीरे धीरे फैल गया, वो भी हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा हो रखा है और साथ के साथ मेन चीज एक और है कि आपने 9th में भी इसके कुछ कुछ पार्ट पढ़ रखे थे, राइट, तो इसको फटाफट से हम एक बार बस जस्ट रिवीजन की तरह, तो फटाफट कुछ एक पोर्शन है जो इसमें हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी जो कुछ कुछ पढ़ भी रखा है तो वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो पढ़ो तनिष्क। यस सर। The theme of Frederick Soru painting first. In 1848, Frederick Soru, a French artist, prepared a series of four paintings visualizing his dream of... सुन, माउथपीस को थोड़ा सा दूर करके पढ़ क्योंकि तेरा मुंह का साउंड ज्यादा आ रहा है और साउंड प्रॉपर कम आ रहा है। यस सर। द थीम ऑफ फ्रेडरिक सोरो पेंटिंग। In 1848, Frederick Soru, a French artist, prepared a series of four paintings visualizing a dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. Second, the first principle of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching along train offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Third, as a figure was shown with the Torch of Enlightenment in one end and the Charter of the Rights of the Man in the other end. Fourth, on the earth, in the foreground of the image lie the remains of the symbols of absolutist institutions. In Soru utopian vision, the people of the world are grouped on distinct nations, identified through their flags and national costumes. In United States and Switzerland leading the procession, and by this time they pass the Statue of Liberty and where nation states. आगे बढ़ो। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में ऊपर, तो इसको रिपीट करने का कोई वो नहीं है, आगे पढ़ लो। या किसी को कुछ और पूछना है इसमें? कोई? ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। आइडिया ऑफ अर्नेस्ट रेनन। अकॉर्डिंग टू रेनन, अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। सेकंड, अ कॉमन ग्लोरियस पास्ट, common will in the present and the common goals for the future. Third, the inhabitants of a nation have a right to be consulted. Fourth, it is a large scale consolidatory whose existence is a daily plebiscite. Fifth, the existence of a nation is necessary because it guarantees freedom and liberty, which should be lost if the world had only one law and one master. ये अब हमें आइडिया है अर्नेस्ट रेनन का कि अकॉर्डिंग टू रेनन, अ नेशन इज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। मतलब कि नेशन कब बनता है, इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री होती है, स्ट्रगल होता है उसका, सैक्रिफाइसेस होते हैं बहुत सारे, डिवोशन होता है, तब जाकर के एक देश बनता है। ये नहीं है कि एक दिन से कोई आज सुबह कल सुबह उठे ओ भारत बन गया, इट्स नॉट दैट। सालों की उसमें वो होती है, ठीक है, डिवोशन। A common glorious past, common will in the present, common goal for the future. मतलब कि past एक common होना चाहिए सबका, ठीक है, कि हम सब मिलकर के हम लोगों ने लड़ाई की थी इस देश के लिए। फिर एक common will होनी चाहिए कि ये देश हमारा ऐसा होना चाहिए, और एक common goals होने चाहिए future के लिए कि हमारा अपना देश ऐसे बेहतर करेंगे, ठीक है। Inhabitants of a nation have the right to be consulted। मतलब कि
इनहेबिट होना चाहिए, जो नेशन का राइट टू बी कंसल्टेड होना चाहिए, मतलब कि ऐसे समझो कि किसी भी देश के अंदर रूट्स में होना चाहिए कि कैसे, मतलब अगर उनके पास उनके जो राइट्स हैं ठीक है उसको कंसल्ट करने के लिए, मतलब कि अगर हर एक व्यक्ति के पास ये पावर होना चाहिए कि वो सोच सके कि कैसे उसके राइट्स यहाँ पर कंसल्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इट इज अ लार्ज स्केल सॉलिडरिटी हूज एक्सिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसिट, मतलब कि हर एक व्यक्ति की सॉलिडरिटी एक मजबूती होनी चाहिए इस बात पे कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो एक डेली प्लेबिसिट, प्लेबिसिट माने जनगणना, मतलब हर एक व्यक्ति की राय यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, ठीक है, लार्ज स्केल पर। एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज अ नेसेसिटी बिकॉज इट गारंटीज फ्रीडम एंड लिबर्टी विच शुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड वन मास्टर, मतलब कि नेशन की जो नेसेसिटी है वो बेसिकली ये गारंटी करना चाहिए, किसकी किस चीज की गारंटी देनी चाहिए कि फ्रीडम की और लिबर्टी की, कि वो तभी खत्म होगी जब पूरी दुनिया का ही कोई एक कानून और एक मास्टर आ जाए, यानी पूरे दुनिया में कोई ऐसा कुछ हो जाए तभी होगा, अदरवाइज यूजुअली पूरा ट्राई किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम हो और लिबर्टी हो, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन, पढ़ो बेटा। सर हमें रेनान के आइडिया याद रखने होंगे ना? हाँ बेटा आ सकते पेपर में। सर समय पढ़ूं? सर प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में मतलब डिफरेंस क्या होता है? क्या सर प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में से डिफरेंस क्या होता है? प्लेबिसाइट तो बेसिकली देखो क्या होता है, गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं होता, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का जो भी मतलब रिजल्ट होता है वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होता है, मतलब गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है वो। देखो ऐसा है, मैं आपको सच्ची बताऊं, प्लेबिसाइट तो बेसिकली लोगों की विश्वास है कि हम ये चाहते हैं, उसको टेस्ट करना है, ठीक है। रेफरेंडम हो गया कि गवर्नमेंट पब्लिक ने कह दिया कि भाई हम तो चाहते हैं कि हमारा झंडा लाल रंग का हो, तो फिर गवर्नमेंट को लाल रंग का करना पड़ेगा, ये वाला चीज है। मनार्की वाली बात होगी ना यहाँ पे? क्या यहाँ पे सर मतलब मनार्की वाली बात होगी ना? मनार्की वाली क्यों, मनार्की वाली बात होगी? प्लेबिसाइट मतलब सर माप ही नहीं होता मोनार्की में, चलेंगे रेफरेंडम होता है। नहीं 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 देखो तुम फिर गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, होता क्या, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में बोला गया था कि हम लोग प्लेबिसाइट कराएंगे, यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा कहा था। नाउ यूनाइटेड नेशंस ने प्लेबिसाइट कराने की बात की है, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम एक काम करेंगे कि पहले पाकिस्तान जो भी अपनी फोर्सेस है, मिलिट्री है, कैसे भी फोर्सेस है, वो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया से हटाए, मतलब बोथ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों वाले एरिया से हटाए, फिर इंडिया अपनी फोर्सेस को वहां से मिनिमम करेगा, वहां पर जो उसकी सिक्योरिटी के लिए चाहिए उतनी फोर्स को रखेगा, बाकी वो हटा लेगा, एक्स्ट्रा नहीं रखेगा, फिर हम प्लेबिसाइट कराएंगे, और प्लेबिसाइट कराएगा कौन? यूएन करा रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मानने ना मानने के लिए स्वतंत्र है, समझे? ऐसे ये सब कंट्री की मर्जी है वहां पे। हाँ ओके सर चले। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, हाउ आर सम स्टेप्स टेकन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू डेवलप द आइडिया ऑफ नेशन, कैसे सर एक डाउट है सर। हाँ सर एनसीईआरटी में इससे पहले एक पैराग्राफ है, मतलब उसके नीचे फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग वाले नीचे सर, जिसमें मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में सर्कल का बताया, तो सर दोनों सेम है कि डिफरेंट है? फिर से बोलो सर। जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में जब खत्म हो रहा है ना, तो फिर उसके बाद मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट वाले एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट सेम है कि डिफरेंट है? देखो नेशन स्टेट का जो थॉट है वो ये है कि मतलब मॉडर्न स्टेट बढ़कर के नेशन स्टेट्स में बदलेगा, मेरा मानना ये है, ठीक है, ऐसे समझो। यस सर मुझे भी यही लगता है, पर मेरी टीचर कह रही थी कि दोनों सेम ही होता है। होता तो एक तरीके से थॉट प्रोसेस तो वही है, कि सोच तो वही है कि कोई चीज अगर मॉडर्न होगी फिर बाद में जाकर के वो नेशन स्टेट्स में बदलेगा, लेकिन हाँ मतलब जैसे समझ लो कि अंडा है, फूटेगा तो मुर्गी बनेगा या मुर्गा बनेगा, तो प्रोडक्ट तो एक ही जैसा चीज है, बस ये है कि वो उसकी स्टार्टिंग फॉर्म है और वो उसकी मैच्योर्ड फॉर्म है, बस ये है। ओके सर
चलो अभी से पढ़ दो बेटा। कौन पढ़ेगा इसको? हम देख लेते पहले आइडियाज क्या है जिसने इन सपोर्ट ऑफ नेशनलिज्म, क्या क्या आइडियाज थे। एमर्जेंस ऑफ आइडियाज ऑफ ला पैट्रिया, द फादरलैंड एंड लार्ज सिटीजन, मतलब जैसे हमारे मातृभूमि कहा जाता है वैसे फादरलैंड और सिटीजन, ठीक है। दूसरा, नेशनल फ्लैग रिप्लेस बाय रॉयल स्टैंडर्ड, वहां पर एक राष्ट्रीय ध्वज आ गया। अरे गलत नहीं सर, सॉरी, आपने रिप्लेस बाय बोल दिया था गलती से। मैंने बाय बोला, मैंने बाय बोला है। यस सर, नेशनल फ्लैग रिप्लेस बाय रॉयल स्टैंडर्ड। अच्छा, मैंने ऐसा बोल दिया था। ओके, नहीं नहीं नहीं, वो रिप्लेस्ड द है वो बेसिकली, या हो सकता है कि मैंने गलती से गलत बोल दिया हो, लिखा तो सही है। नेशनल नेशनल फ्लैग रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब जो जो राजाओं वाला झंडा था ना उसको हटा करके नेशनल फ्लैग एक आ गया। तीसरा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुट एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, ठीक है, पुट असाइड एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म, और एक यूनिफॉर्मिटी की बात की गई, ठीक है, यानी एकता की बात की गई। एस्टेट जनरल वॉज रिप्लेस बाय नेशनल असेंबली, एस्टेट जनरल होती थी याद होगा आपको, ठीक है, उसके जगह पर नेशनल असेंबली आ गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेल्स एंड मीडिया, यस सर, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेल्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि सभी जगह पर वजन तोलने का और मापने का सब यूनिट्स जो थी वो एक ही जैसी करी गई, ठीक है। जैकोबिन क्लब्स कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनल नेशनलिज्म अब्रॉड, मतलब कि जैकोबिन क्लब्स जो थे उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया बाहर ले गए, विदेशों तक ले गए, दूसरे देशों तक ले गए। तो इस तरीके से आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा। एज वी लर्न इन क्लास 9th अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन अपराइजिंग द नेपोलियन ऑफ फ्रांस, वी ऑल्सो लर्न अबाउट हिज एम ऑफ कॉन्करिंग यूरोप, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि वो कैसे यूरोप को पूरे कब्जा करना चाहता था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स विच दी which he in which he introduced he introduced many reforms which introduced क्या लिख दिया है, कुछ मिनट हो गया है। He introduced many reforms in which he introduced in France in other territories subsequently, मतलब उन्होंने, अच्छा हाँ ओके, उसने बहुत सारे reforms, सर नेपोलियन बोनापार्ट ने जो inform, सर जो नेपोलियन बोनापार्ट ने पहले फ्रांस में की फिर उसके बाद टेरिटरीज में की। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया, लिखा हुआ है उसका सेंस नहीं हुआ रहा था ना, वो सिविल कोड, हाँ सर वो लिखा मिस्टाइप है, वो गलत, वो सेंटेंस मिस्टाइप है। अच्छा, तो उसने काफी सारे रिफॉर्म्स दिए थे, शुरुआत में फ्रांस में किए और बाद में फिर उसने अदर टेरिटरीज में भी किए, ठीक है। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने खत्म किया था तभी वो एक तरीके से वहां का क्या बन गया था, डिक्टेटर, ठीक है। नेपोलियनिक कोड वाज आल्सो प्रोपगेटेड इन टू रीजंस व्हिच वर अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और उन एरियाज में जहां की जो कि फ्रेंच कंट्रोल के थे उन एरियाज में भी नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया था। बट हिज एम ऑफ कॉन्करिंग यूरोप गॉट शैटर्ड इन द बैटल ऑफ लाइप्ज़िग 1813, इन द बैटल ही गॉट डिसिसिव डिफीट एंड ही रिटर्न बैक टू He returned to France. Basically, क्या हुआ कि वो सोच रहा था कि वो पूरे यूरोप पे कंट्रोल कर लेगा, लेकिन लाइप्ज़िग का जो फाइट हुआ, वो बैटल हुआ, उसे वो हार गया, बुरी तरीके से हार गया और फिर वापस फ्रांस चला आया। और लास्ट में वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन जो है फिर वहां पर वो डिपोर्टेड टू सेंट हेलेना आइलैंड बाय ब्रिटिश, वहां पर उसको भेज दिया गया, खत्म हो गया उसका जीवन। सर मतलब सर वो लिप्सिक में हार गया तभी से उसकी फिर पावर कम हो गई, इसीलिए वो हार गया वाटरलू। हाँ, एक बार अगर आप हार जाते हो तो एक तो वैसे भी मॉरल थोड़ा डाउन हो जाता है, दूसरी चीज ये कि आपने पूरी फोर्स लगाई थी लिप्सिक में और जीतना चाहिए था उसको, तो वो तो चाह रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, तो उसने पूरा वो लगा दिया, लेकिन फिर वो चीजें हो नहीं पाई और फिर वाटरलू का युद्ध आया, उसने दोबारा चीजों को सही करने की कोशिश की, तो वहां हार गया, वहां पर उसे कब्जा करके उसे भेज दिया गया और वहां पर खेल खत्म हो गया उसका। Excuse me, sir.
यूरोपियन ग्रेट पावर्स थी, उन्होंने 1813 में लड़ाई की थी नेपोलियन से या 1815 में? देखा जाए तो पूरे उसमें ही उन्होंने ही फाइट किया, सीरीज ऑफ वॉर चल रही थी वो तो। वो प्रॉपर सीरीज ही थी, लेकिन हालांकि स्टार्टिंग 1813 से ही हुई है जहां वो खड़ा था। उत्कर्ष तुम क्या कर रहे हो? सर यस, मैं कह रहा था कि सर लीप सर वो हारा था सिर्फ इस वजह से क्योंकि सारे के सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। हाँ ये भी है, और जब काफी सारे मोर्चों पर आपको लड़ाई करनी होती है तो फिर आप उतने अच्छे से कमांड नहीं कर पाते ना चीजों को, कंट्रोल नहीं कर पाते, और आफ्टर ऑल आप एक डिक्टेटर हो तो कहीं ना कहीं तो आपका खत्म होना ही है। ठीक है, हाँ आगे तुम उत्कर्ष बताओ। मेरे को एक डाउट है, जो पेज नंबर 7 है सर, उसपे एक इमेज है जिसमें जो वो एक नेपोलियन एक पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें उसका जो कैप्शन लिखा हुआ है कोरियर ऑफ राइनलैंड, तो सर राइनलैंड तो जर्मनी में था, तो उसको यहाँ पे क्यों यूज किया है? क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ये डिक्टेटरशिप वाली बात है उसने ही शुरू करी थी और वो वहां से फिर फ्रांस और जर्मनी तक पहुंची। ठीक है सर, वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना उसने जर्मनी के वो काफी सारे पार्ट्स कैप्चर कर लिए हो और वहां से वो आ रहा हो, तो उसे फिर मैसेंजर थोड़ी दिखाया जाता सर। बट उन्होंने टेरिटरी भी तो डिवाइड की थी ना बहुत सारी। हाँ वो तो किया ही है, वो तो किया ही है, जर्मनी को एनेक्स किया ही होगा। नहीं देखो वो सब तो जो किया है वो किया, लेकिन एज अ मैसेंजर इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो जो आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप है ना, टू कैरी फॉरवर्ड द एंटायर कंट्री एंड बिकम द यूरोपियन लीडर एंड एवरीथिंग, वो वहां से इंस्पायर्ड है इसलिए मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ो। मेकिंग ऑफ फैसिज्म इन यूरोप, रव तू पढ़, इसके बाद अश्मित पढ़ लेगा। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इन यूरोप तू यह पढ़ना चाहिए। हाँ यस सर, इन यूरोप देयर वाज नो फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। Also, the people over there were diversified on the basis of language they speak and ethnic culture. This difference did not easily promote a sense of political political unity. The only tie binding these groups together was a common allegiance to the emperor, the aristocracy, and new middle class. Landed aristocracy dominated the continent socially and politically since they are united by a common way of life. This small group spoke French for purpose of diplomacy in high society and they had matrimonial ties. On the other hand, majority of population was peasant in western part and served in eastern and central part. Industrialization was prevalent in England at this time, but France was aloof from it and it in this scenario few more class emerged like working class, industrialist, businessmen, etc. Among them there was a group of few educated middle class person which brought the idea to abolish the aristocratic privileges. Thus यूरोप में बेसिकली क्या था, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था कि हम लोग कलेक्टिव हैं या एक सिंगल आइडेंटिटी के लोग हैं, हमारा कॉन्शन कॉमन है, और था भी नहीं देखा जाए तो कुछ चीजों को छोड़ के। ऑल्सो द पीपल ओवर देयर वर डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक एंड एथनिक कल्चर, दिस डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी लैंग्वेज अलग है ना तो वो यूजुअली आप उसे पॉलिटिकली यूनाइट करना बहुत ईजी नहीं है, राइट? और अगर इसको हम देखें बहुत सारे एग्जांपल्स से, तो कुछ जो भी यूनियंस अगर वो साथ बनकर के एक बनी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ और बड़े लोगों का बहुत दिमाग रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर अपनाना लेकिन फेडरल कंट्री नहीं बनना, कहीं ना कहीं एक विजन था इस बात को लेकर के, कि जैसे कि आप यूएस को देखोगे तो यूएस एक फेडरल कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें क्या है कि अगर कोई कंट्री का एंट्री, कोई भी स्टेट, फॉर एग्जांपल अलास्का किसी यूएस के किसी एरिया उससे हटना चाहता है, उस यूनियन से हटना चाहता है,
तो वो हट सकता है और कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट या फिर किसी और कंट्री के साथ ज्वाइंट दिखा सकता है। तो सर हाँ, लेकिन सारे सारे स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल क्यों नहीं देते सर? क्योंकि वो यूनिटी में रहना चाह रहे हैं, तभी तो वो डेवलप कर रहे हैं ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन ना वहां पर। इंडिया में यूनियन है, इंडिया यूनियन है, यूनियन का स्थिति यह है कि हमारे यहाँ ये है कि आप आ सकते हो लेकिन आप फिर जा नहीं सकते, ठीक है। ऐसा ही हुआ था मणिपुर स्टेट का नाम सुना है आपने अपने यहाँ? यस सर, यस सर, सर वो नया का से जुड़ा है। नहीं नहीं बात नहीं कि नहीं है, हुआ क्या था कि उन्होंने वो एक जैसे भूटान है ना अलग, ऐसे एक अलग देश एक तरीके से था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है मैं इंडिया के साथ जुड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं देखना चाहता हूँ पहले। तो उन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया कि ठीक है आप देखने के लिए आ सकते हो कुछ समय के लिए, तो एज ए स्टेट आपको हम पावर्स दे रहे हैं लेकिन फुली स्टेट नहीं बोल रहे हैं तब तक जब तक आप, तो वो एक तरीके से ऐसा था कि वो एक एक कहना चाहिए एक ऑन द फॉर द टाइम बीइंग स्टेट था इंडिया का, एक साल तक लगभग रहा और उसके बाद फिर 1967 में फिर उसको प्रॉपर इंडिया में उसने मर्ज कर लिया और आज वो एक अच्छा खासा स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। लेकिन अब वो चाहे तो बाहर जाना तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही सीन था, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन अलायंसेस टू एम्परर, मतलब उन ये था कि एक ही चीज उनको सबको एकता करती थी, वो ये थी कि उनके सब जो लोग थे वो किसके खिलाफ थे, अपने राजा के खिलाफ थे या उनके राजाओं के खिलाफ थे, ठीक है। तो उनको लगता था कि भाई जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये वाली बात थी, ठीक है। चलिए द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड द कंट्री सोशली कॉन्टिनेंट सोशली एंड पॉलिटिकली सिंस दे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उनको जोड़ा गया था कैसे, क्योंकि उनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था। द स्मॉल ग्रुप्स स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी एंड दे हैड मैट्रिमोनियल राइट्स, जो फ्रांस के जो जो स्मॉल ग्रुप होते थे, ठीक है, वो बेसिकली क्या वो फ्रांस फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, उनके हाई सोसाइटी का दिखाने के लिए और मैट्रिमोनियल टाइज वगैरह बनाते थे उनके थे। ऑन द अदर हैंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज पीजेंट इन वेस्टर्न पार्ट एंड सेव्ड सर्वड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट, मतलब कि जो दूसरी तरफ थे वो लोग जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स थे जो कि वेस्टर्न पार्ट में रहते थे या फिर सर्विसमैन वगैरह थे जो कि ईस्टर्न या सेंट्रल पार्ट में रहते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज प्रेवलेंट इन इंग्लैंड एट दिस टाइम, वहां पर काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जोर था अच्छा खासा, बट फ्रांस इससे अलग था एंड वहां पर सिनेरियो का थोड़ा अलग था, वहां पर अलग तरह का वर्किंग क्लास इमर्ज कर रहा था, जैसे वर्किंग क्लास कह सकते हैं, बिजनेसमैन स्मॉल बिजनेसमैन डिस्प्लेस कह सकते हैं, तो वो एक अलग तरह का वो इमर्ज कर रहा था धीरे धीरे। अमंग देम देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल जो कि आइडिया टू अबॉलिश दिस एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात है, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, रूसो हो गया और मॉन्टेस्क्यू हो गया और इस तरह के थे ना, याद है आपको? यस सर, जॉन लॉक, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू हो गया, उसने वो लिखा था, सब बुक्स वगैरह लिखी थी, तो इन लोगों ने वही चीजें हैं। बस द आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म इमर्ज और द आइडिया ऑफ नेशन मेकिंग, मतलब वो पूरा इसी तरह से वो आइडिया नेशनलिज्म का इमर्ज किया। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, क्या ये किस चीज के बारे में है, क्या बात करता है? लिबरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिकली स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिश ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, बेसिकली ये क्या था कि वो मार्केट की फ्रीडम के बारे में और सामान को लाने ले जाने के लिए उसको रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए। दूसरा लिबरलिज्म का क्या था कि ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर, ठीक है, लिबर का मीनिंग क्या होता है? फ्री, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एन इनअवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बेसिकली इन्होंने एक पॉलिटिकली क्या एम्फरसाइज किया, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी चुनी के बनाई हुई गवर्नमेंट, ऐसी नहीं कि
अपने जो हिरार्की वो चल रही है कि पिताजी का बेटा, फिर वो राजा, फिर उसका बेटा, फिर राजा, ऐसे नहीं चलेगी, चुनके बनेगी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड फॉर न्यू मिडिल क्लास इट वॉज फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी टू ऑल ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब कि और मिडिल क्लास जो नई मिडिल क्लास बनती आ रही थी उनके लिए बेसिकली क्या था कि फ्रीडम चाहिए था हर एक व्यक्ति को, तो कि भाई हमें आजादी हो हमारी चीजों को अपनी तरह से करने की, और दूसरा सब लोग समान हो लॉ के लिए, ये नहीं कि कोई राजा का बेटा है तो उसके लिए अलग लॉ और मेरे लिए अलग लॉ और कोई मुझसे गरीब है तो उसके लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऑब्स्टिकल क्या क्या थे, एक तो मेजरमेंट्स थोड़े अलग अलग थे, अनइवन थे, कि कहीं पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी वो एलए थी, उसकी वैल्यू कुछ अलग थी, लाइक 54.7 फ्रैंकफर्ट में अगर हम देखें, और मेंस में 55 के आसपास थी, और फ्रेबर्ग में क्या थी 53.5। दूसरा यानी उसकी जो मेजरमेंट्स की यूनिट थी वो अलग अलग थी, तो उसे चीजें एक यूनिटी नहीं आ रही थी। दूसरा कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस बिकॉज एवरी रीजन हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ वे एंड मेजर, इस वजह से क्या हो रहा था कि पूरे जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मेजर्स की वैल्यू अलग थी और उनका वेज की वैल्यू अलग अलग थी, तो वो काफी प्रॉब्लम हो रही थी कैलकुलेशन को कंज्यूम करने में, ठीक है। एज अ रिजल्ट जॉलवेरियन वॉज फॉर्म्ड। अब ये क्या है, इसका 1934 में ये कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है। इसका एम था टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू आपस यूनियन, ठीक है। इनिशिएट किया गया था प्रूशियन, बाद में जर्मन्स ने इसे ज्वाइन किया। इट अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। पहले 30 करेंसीज के आसपास रन करती थी वहां पर, उन्हें कम करके उन्होंने इसमें सिर्फ 2 पे ले आए, यानी बाकी करेंसीज को सबको आज रात 8 बजे के बाद सब खत्म, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1850 आफ्टर 1850, ठीक है। पढ़ो बेटा, कौन पढ़ेगा? सर मैं आए अश्मित, हाँ बेटा पढ़ दे। After 1815, conservatives believed that established traditional institutions of state and society should be preserved. However, they did not propose returns to the society of pre-revolutionary days. They realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and stronger. In 1815, European power, Britain, Russia, Austria, Prussia, who collectively defeated Napoleon, met at Vienna. ट्रीटी ऑफ वीना। सर नीचे कर दीजिए। मेजर प्रपोजल्स ऑफ द वीना कांग्रेस, मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज, ऑब्जेक्ट अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ नेपोलियन, रिस्टोर बॉर्बन डायनेस्टी टू पावर, एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज व्हिच वाज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप लाइक किंगडम नेदरलैंड व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम, Genoa was added to Piedmont. Austria got the control of North Italy. Russia given part of Poland. Russia got part of Saxony. अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली क्या था कि कंजर्वेटिज्म की बात आई, कंजर्वेटिव्स ने को विश्वास था कि भैया ये जो भी नेपोलियन ने किया है वो सब इस वजह से कर पाया था क्योंकि आपने मोनार्क को खत्म करने की बात की थी, ठीक है। वो पुराना इंस्टीट्यूशन का तरीका वो वापस लाना चाहते थे, तो the modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy, it could make the state power more effective and stronger, मतलब वो कह रहे थे कि अगर monarchy आएगी तो उससे ही क्या होगा, state power काफी effective और stronger हो जाएगी। In 1815 European powers like Britain, Russia, Austria, Persia और जिन मतलब जो जो भी जिन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था उन लोगों ने एक वियना में मिले और एक ट्रीटी ऑफ वियना करके उन्होंने ड्रॉ किया। क्या क्या प्रपोजल्स थे हम लोगों ने देखा, एक तो बेसिकली क्या था उनका लॉजिक ये था कि मोनार्की इसको वापस लेके आएंगे और जो जो की चेंजेस किए हैं नेपोलियन ने वो सब अंडू कर देंगे, यानी वो सब खत्म, और बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करके और फ्रांस की जो भी टेरिटरीज जो लॉस्ट हुई है वो उन्हें वापस रिस्टोर करेंगे, और एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाने की बात आई जैसे कि यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड्स को बेल्जियम करके इंक्लूड करके कराया गया, जिनियो का पेडिमोंट में ऐड करा दिया गया, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल मिल गया,
फ्रांस के साउथ पे सेट किया था जेनोआ को, मतलब सर बहुत सारे नेशन स्टेट बना दिए थे फ्रांस के तरफ, और लुई 18 को जो है वापस से रिस्टोर कर लिया था वो बॉर्बन डायनेस्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। और रशिया गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट मिल गया था जो कि बहुत बाद में जाके छूटा है, ठीक है। और प्रुशिया गॉट पार्ट ऑफ सैक्सोनी, ठीक है, और प्रुशिया यानी जर्मनी वाला जो एरिया था, ठीक है। तो सैक्सोनी अभी भी उसी के पास है, जर्मनी बन गया ना पूरा, आपका प्रुशिया बचा ही कहां, मतलब सर अभी जर्मनी में ही है सैक्सोनी। हां 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 मेरे हिसाब से तो बाकी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो वो जर्मनी नहीं तो फिर वो एज ए कंट्री वो पूरी तरह से वो चेंज हुआ है ना, उसके बहुत सारे वो चेंज हुए ना अलग अलग डायरेक्शंस, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर कुछ और हो गए थे, तो बाद में फिर कुछ और हुए धीरे धीरे, जब वो नेशन स्टेट बना है जब उसको तब तो वो प्रॉपरली हुआ है। रेवोल्यूशनरी के बारे में बात करेंगे, फॉलोइंग द वेव ऑफ नेशनलिज्म मेनी रेवोल्यूशनरीज ग्रुप इमर्ज इन फॉलोइंग कंट्रीज, अलग अलग ग्रुप्स बने अलग अलग कंट्रीज में, जैसे जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, फ्रांस में, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल इटली में बना इटली रेवोल्यूशनरी ग्रुप, पढ़ो कौन पढ़ेगा, अश्मित पढ़ दे बेटा तू। ओके सर, द रेवोल्यूशनरीज फॉलोइंग द वेव ऑफ नेशनलिज्म मेनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स इमर्ज्ड इन फॉलोइंग कंट्रीज इटली जर्मनी फ्रांस पोलैंड एटसेट्रा। एग्जाम्पल इटली रेवोल्यूशनरी ग्रुप, देयर वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी हुज मेंबर वाज गिजी मेजिनी बोर्न इन जेनोवा इन 1807। Mazzini also found two underground societies. Those were Young Italian Marxists, Young European Bund. Ideology. He believed that God has intended, had intended nations to be natural units of mankind. Thus, Italy had to be forged into a single unified public within a wider alliance of nations. इसका ये basically जो Mazzini था, इसने ये हुआ तो Genoa में पैदा हुआ था, इसने secret society बनाया था, ठीक है, और मतलब बनाया क्या था उसका मेंबर था बेसिकली, इसके सोच ये थी कि इसने दो सोसाइटीज बनाई थी, पहली क्या थी, एक तो यंग इटली जो मर्सल्स में काम करती थी और दूसरी यूरोप यंग यूरोप के नाम से जो बर्न में काम कर रही थी। आइडियोलॉजी इसकी ये थी कि चाहता था कि दुनिया भगवान ने ऐसी बनाई है, ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि ये जो भी जो नेशंस हैं वो नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड बन जाएंगे, यानी वो उसी में रहने के लिए मतलब एक तरीके से रहेंगे वहीं पर, उनके लिए नेचुरल वो है इनहैबिटेट। तो इटली को क्या करना चाहिए कि एक कंट्री बना देना चाहिए, ठीक है, विद इन अ वाइडर लाइंस ऑफ नेशंस, ठीक है। एज ऑफ रेवोल्यूशंस की बात अगर हम करेंगे तो 1832-1848 का ये समय है, यहाँ पर काफी रेवोल्यूशंस की बात हुई है। तो कौन पढ़ेगा बच्चा, आर्यन? यस सर, पढ़ दे सर। Age of Revolutions 1832-1848. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly. Sound गई बेटा, sound गई. Yes sir. Sound गई तेरी. Sir आवाज़ ही है? अभी थोड़ी सी better है. Okay sir. Nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. The revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and commercial middle class. In Italy and German states, where conservatives were trying to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be associated with revolution. Revolutionary groups were also formed in Ottoman Empire, Ireland, and Poland. These revolutions were done by liberals who belonged to educated middle class elite. In July 1830, first uprising took place in France where Bourbon king was overthrown by liberals. Constitutional monarchy was installed with Louis Philippe as its head. The July revolution led to the division of Belgium from Netherlands. The Greek War of Independence in 1821 mobilized the revolutionary feelings among youth. Treaty of Constantinople 1832 recognized Greece as independent nation and it sparked the people of Europe. कौन बताएगा सर क्या मतलब है? अनिश बताएगा?
बताओ यार, तू बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं लोग? आदित्य प्रांतिका वैभव विशाल नहीं यस सर बता बेटा सर उसने लीव कर दिया लीव कर दिया ऐसे कैसे सर अभी अभी लीव किया प्रॉब्लम हुआ मुझे लग रहा है कुछ हुआ होगा साथ छोड़ के चला गया सर वो आदित्य सिन्हा ने भी दो बार ज्वाइन किया और दो बार लेफ्ट भी कर दिया मेबी नेटवर्क का इशू होगा या फिर कुछ और अरे एक साथ नेटवर्क का बहुत बड़ा जैम हो गया भानवी उत्कर्ष भी लेफ्ट हो गया आदित्य से ना फिर से लेफ्ट हुई भानवी कुशवाहा अभी इसने रेज हैंड किया अब क्या होगा आर्यन पाठक यस सर तू बताएगा बच्चा यस सर बता ये बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ नहीं रहे इनको समझ में नहीं आ रहा है सर गेम चल रहा है सबके सब लीव किए जा रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं फिर दोबारा से लीव कर रहे हैं करने दें लोग को इनकी सबकी शिकायत हो गई पेरेंट्स के पास सर स्टार्टिंग में जब मैं आया था ना यहाँ पे तो फिर फर्स्ट क्लास में सब एक दूसरे को म्यूट करने का गेम खेल रहे थे अच्छा चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं बता बेटा आर्यन तू बता यस सर सर जब जो कंजर्वेटिव्स थे जो सर हाई कास्ट रेजिमीज थे सर जब उन्होंने अपना मतलब सर वो मतलब प्रमोट करते थे कि जो पुराने आइडियोलॉजीज हैं सर उनको प्रमोट किया जाए बट जो जो न्यू एरा के जो लोग थे सर वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो तो सर वो अपनी मतलब मतलब इस आइडियोलॉजी को सर वो स्प्रेड कर रहे थे फोर्सफुली तो सर जो मतलब जो मिडिल क्लास पीपल और जो बड़े फिलोसोफर्स और प्रोफेसर सर इन सब ने अपना एक ग्रुप बना लिया और इन्होंने सर इन कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन करा और उसमें सर स्कूल टीचर्स भी थे और पोप्स थे और मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास सॉरी सर पोप्स नहीं थे सर क्लर्क्स थे और सर इटली और जर्मन स्टेट में पोप तो वैसे शायद एक ही होता बेटा पोप्स तो हो भी नहीं सकता यस सर वो नहीं थे सर जो मिडिल क्लास पीपल सुप्रीम कमांडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वो ऐसे है यस सर मिडिल क्लास पीपल थे जैसे इस्लाम में खलीफा था ना यस सर वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था ना खलीफा आंदोलन खलीफा यस सर वैसे ही क्रिश्चियनिटी में पोप है बताओ आगे सर यस सर फिर उसके बाद क्या नाम है इटली और जर्मन स्टेट्स में सर जहाँ पे मतलब ये कंजर्वेटिव अपनी सर मतलब पावर को स्प्रेड कर रहे थे वहां पे भी सर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग्स सर जागरूक हुई और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और जो ऐसे आयरलैंड और पोलैंड जो ओटोमन एम्पायर के अंदर थे सर उनमें भी क्या नाम है रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स बने और और ये जो मिडिल क्लास पीपल लोग थे सर उन्होंने मतलब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था और 1830 में सर फर्स्ट अपीवल टुक हुआ था जिसमें कि सर जो फ्रांस का जो फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी थी सर उसमें जो उसका लुइस सिक्स जो सर बर्बन किंग था सर उसको फिर ओवरथ्रो कर दिया लिबरल्स ने एंड सर फिर उन्होंने उसके बाद लुइस फिलिप के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई जिससे कि सर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब सर जो ऑल सारी पावर्स एक रूलर को नहीं दी जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर वो सर काम वहाँ पे काम करेगा रूल करेगा और सर फिर वहाँ जो जलवायु रिवॉल्यूशन
यस सर, उसके बाद फिर जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था बेल्जियम से, जिस मतलब जहाँ पे फिर उसने बेल्जियम ने नीदरलैंड से फिर वो सेपरेट हो गया था बाद में, और फिर 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसमें सर जो ग्रीस में रिवॉल्यूशनरी फीलिंग्स जागरूक हुई थी, और उसमें वहाँ के जो मतलब पोइट्स वोइट्स थे उन्होंने सर ग्रीस को क्रेडल्स फॉर नेशनलिज्म सर ऐसे कुछ बताया था शायद। सर मतलब पहले फ्रांस ने मोनार्की को हटाया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया। हाँ, हटाया नहीं मोनार्की को, मोनार्की थी तब तक, लेकिन ये कहा कि जो भी राजा है ठीक है, कंजर्वेटिव्स भी थे ना उसके साथ में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजा है लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राजा चलेगा, राजा ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी टैक्स बढ़ा रहा है या अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, राजा होगा लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगी, जैसा हम ब्रिटेन में देखते हैं ना, अभी भी है ब्रिटेन में। यस सर, क्वीन एलिजाबेथ। तो वैसा कुछ होगा। यस सर, वो मरी नहीं रही है, उनके पोते चाहते हैं कि वो मर जाए लेकिन वो मरी नहीं रही। सर ये सेम चीज एमडीएच वाले के साथ भी किया था, अब उनकी भी डेथ हो गई, अब उनके भी हो सकती है। देखो बेचारे वो चले गए ना, अब तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरा मानना ही है भगवान से कुछ ढाई दिन ही छोटे थे बस वो शायद। चलिए, तो बेसिकली देखो हम ये नहीं कह सकते, हम तो चाहते हैं कि भगवान सबकी उम्र लंबी हो, ठीक है, विश जस्ट दैट कि हाँ मतलब जो भी है ठीक है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर की, चैप्टर ये कहता है कि फ्रांस में इस तरह की चीजें शुरू हो रही थी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बन रहे थे पूरे उस एरिया में, बन रहे थे यूरोप में ऑटोमन एम्पायर से लेकर के, ठीक है, और सब जगह पर ऐसा हो रहा था। वहां पर क्या हुआ कि बर्बन किंग को फेंकने के लिए उन्होंने लिबरल्स ने पूरा सब काम करना शुरू कर दिया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाने की कोशिश की गई, ठीक है, लुई फिलिप को उसका पहला हेड बना दिया गया। जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया, वहां पर एक रेवोल्यूशनरी फीलिंग आ गई सब लोगों के अंदर। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया और पीपल ऑफ यूरोप को एक तरीके से स्पार्क किया काफी ज्यादा इस चीज में, ठीक है, ना रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, रोमांटिसिज्म के बारे में हमने बात करी थी। अ कल्चरल मूवमेंट डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लोगों के अंदर एक देश के प्रति एक अलग ही तरह का फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि हमारा देश है। मतलब आर्टिस्टिक जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, बेसिकली क्या था कि लोगों ने इस बात को सब की भाई साइंस क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो सब बातें बाद में, पहले देश को अपना सही करो, ये वाली बात थी। दूसरा, फोकस ऑन इमोशनल इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, और इस बात पे इसने फोकस किया कि कैसे इमोशनल लोगों को कनेक्ट किया जा सके और एक कंट्री की बात की जा सके। शेयर्ड अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, मतलब कि उन एरियाज को एक कनेक्ट करने की कोशिश की गई जिनका एक जैसा पास था। पोएट्री, आर्ट एंड म्यूजिक एंड स्टोरी वर यूज्ड टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, और ऐसी कहानियां लिखी गई, ऐसे गाने लिखे गए, गीत लिखे गए, स्टोरीज लिखी गई, आर्ट्स बनाए गए, ड्राइंग बनाए गए, म्यूजिक बनाया गया, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग एक शेप करे आए लोगों के अंदर। फ्यू जर्मन फिलोसोफर क्लेम्ड दैट द जनरल कल्चर, जर्मन कल्चर वॉज टू डिस्कवर अमंग पीपल through folk songs, dance, that true spirit of nation was popularized. मतलब कि जर्मन फिलोसोफर ये ऐसा क्लेम करते हैं कि जर्मन कल्चर वो कैसे डिस्कवर हुआ था, लोगों के अंदर फोक सॉन्ग्स या फिर फोक डांस की स्पिरिट उनके अंदर लगी, तब धीरे धीरे वहां से जर्मन कल्चर की बात की गई। वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फोकलोर वर यूज, मतलब जो देशी लैंग्वेज थी और जो लोकल कहावतें और कहानियां और किस्से उनको यूज किया गया नेशनलिज्म की भावना को, रोमांटिसिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कौन पढ़ेगा बच्चा? प्रणय? यस सर। पढ़ेगा बेटा? यस सर। ठीक है पढ़ो। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s were the years of great economic hardship in Europe. There were more seekers of job than employment.
The rise of food prices led to pauperism, poverty in the country. Population was out on the roads due to such severe crisis, and Louis Philippe was forced to flee. National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage all males above 21, and granted right to work. Also, employment workshops were set up. ये जो साल आए थे 1830s के आसपास, यहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप की बात आई, लोगों के पास पैसा बहुत कम बचा था, लोग जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे, जॉब 1830 कैसे आ गया? सही पकड़ा है बेटा, समय में पीछे चले गए हम, वो भी सौ सर यहाँ 1848 होगा ना? सर आप फर्स्ट टाइम में कह रहे हो? सर ये तो 1930 ये आया है, नहीं 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 1813 में भी आया था बेटा, भी सही है, बात तुम्हारी भी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये डिप्रेशन आया था इकोनॉमिक वहां पर भी, ठीक है, मतलब हर 100 साल में आता है डिप्रेशन, इस तरह का कुछ कुछ आता है सर, ऐसे तो फिर 10 साल रहेगा फिर से आएगा 2030s में भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हार्डशिप, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि आएगा, लेकिन चीजें होती है ना, इंसान क्या देखो इकोनॉमी पूरी करवट लेती है 100 साल के स्ट्रक्चर के बाद, अगर आप देखो तो कुछ कंट्रीज का क्या होता है कि वो एक स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, जो मेजर कंट्रीज है इंडिया को अगर छोड़ दिया इस समय पर, तो अभी तक जो भी दो कंट्रीज तीन कंट्रीज लीडिंग कंट्रीज रहे हैं हमेशा से, वही पूरे वर्ल्ड की पॉलिसीज को एक तरीके से स्ट्रक्चर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस को देखा जाए तो कहां पर वो एक तरीके से लोगों से लोन लेता था, और स्थिति ये आ गई फिर कि उसने लोन देना शुरू कर दिया, और अब एक समय है कि वो और सोवियत यूनियन, यानी वो यूएसए और रशिया, ये दो मेजर पावर्स थे, लेकिन क्या रशिया आज मेजर पावर है अगेंस्ट यूएस? नो सर, सबसे ऊपर देखा जाए तो शायद चाइना होगा। यस सर, चाइना है सेकंड, यूएसए। तो यूएस और चाइना, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ही कंट्रीज होते हैं जो पूरा वो सब सीक्वेंस को घुमा के रखते हैं बाकी कंट्रीज के सामने, ठीक है, तो वो जैसा चलाना चाहते हैं, वो अपनी अगर शिफ्ट करते हैं इकोनॉमी का प्रैक्टिस, अगर आप देखोगे पिछले 10 साल अगर हम बात करें तो चाइना ने अपना इकोनॉमी का जो तरीका है वो शिफ्ट कर लिया, मतलब पहले जैसे कि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू चाइनीज चलते थे, याद है आपको चाइना का सामान, मतलब बिजली और ये सब चीजें, लेकिन अब चाइना ने हॉस्पिटैलिटी की तरफ भी ध्यान दिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान दिया है, तो उससे क्या हुआ है कि उसका इकोनॉमी तो थोड़ी सी स्लो हुई है लेकिन उसके सेक्टर्स बढ़ गए, ठीक है, यानी धीरे धीरे जब वो कवर करेगा तो वापस से अमेरिका से आगे जा सकने की चांसेस आ सकते हैं उसके पास, तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। सर अमेरिका तो काफी कमजोर हो गया क्योंकि वहां इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी खराब है, वहां पर वही स्थिति ज्यादा चल रही है, एक अच्छे खासे रनिंग प्रेसिडेंट को आप इस तरह से चीजें करके अगर आगे निकाल रहे हो वो सब चीजें, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि ट्रंप बहुत इंटेलिजेंट था या बहुत अच्छा था, पर मुझे लगता नहीं कि ट्रंप को इतनी आसानी से हारना था, बस तो उसके बाद ट्रंप हारने का आप पागल से हो गए हैं। एक बात और है कि मेरा मानना यह है कि कोई भी कंट्री ना चाहे कुछ भी हो जाए वो फॉरेन पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं, वो सोच एक ही जैसे रहती है, क्या किसी पार्टी की सरकार आए आप उसे उस तरह से नहीं हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इंडिया में भी भले ही कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे जो चीजें थी वो बीजेपी कर रही है, और बीजेपी अगर चली जाएगी तो कांग्रेस बीजेपी वाली चीजें करेगी, हाँ हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होंगी, वो अटका के रखेंगे ताकि पॉलिटिक्स चलती रहे, लेकिन मेजर पॉलिसीज पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार रखना है वो सोच वैसी ही रहेगी, थोड़ा बहुत अंतर आएगा वो डिपेंड करता है पार्टी क्या सोच रही है, ठीक है, और कितनी वोट्स हैं उसके पास पार्लियामेंट में, कितनी सीट्स हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है वो, ठीक है, ये
स्ट्रॉन्ग मतलब विल पावर वाली स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? ओके सर. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज ऑल मेल्स अबाउट 21 एंड गारंटीड राइट टू वर्क. सर ये सफरेज क्यों नाम दिया है इसको? ऐसा है क्या मतलब अगर सही लीडर चूज नहीं किया तो सारे सफर करेंगे सिर्फ इस वजह से? नहीं अब मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा. Maybe you can term it like this. मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई abbreviation होगा या फिर किसी चीज़ का इस तरह से होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? कोई word, अब word क्यों रखा गया इसके लिए ऐसा कैसे बोलेंगे यार कि भाई अब चिली को चिली क्यों कहते हैं? तो कंट्री का नाम है तो क्या कंट्री चिली है? वो ऐसा कुछ है क्या? वो है ठीक है, क्या कर सकते, ठीक है? यस सर, वहां के प्रेसिडेंट को मार दिया था कूच करके. चले तो उन्होंने राइट टू वर्क उन्हें दिया और एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप्स को सेटअप किया गया, ठीक है? 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, रिवॉल्यूशन इन फ्रांस बाय एडुकेटेड मिडिल क्लास हिट. The demands for constitutionalism was combined with national unification. मतलब कि जो middle class educated वो जो class था वहाँ का France का, उसने constitution की बात की और कहा कि national unification और constitution को एक साथ जोड़ा जाए. In Germany, many middle class professionals, businessmen, artisans in Frankfurt decided to vote for an all जर्मन नेशन असेंबली. उन्होंने कहा कि भाई हम लोग किसके लिए बात करेंगे, किसके लिए एकजुट हो रहेंगे, जर्मन नेशन असेंबली की बात की, पूरे जर्मनी को एक करने की बात की है. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च वेयर वुमेन वर ओनली ऑब्जर्वर, यानी वुमेन की वोट नहीं दी गई थी, ठीक है? ये कौन सा साल है ये देखो, 1848, और फ्रांस में बहुत बाद में जाकर के वुमेन को वोट राइट मिला है, जर्मनी में भी. लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो हम लोग इतने लिबरल हैं कि 1947 को हम लोग फ्री हुए, 1950 को वोट राइट दिया गया सबको एक तरीके से, और सबको मतलब सबको, राइट? वुमेन हो या कोई भी हो, उसमें कोई ये नहीं किया गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वो कुछ ऐसा कुछ नहीं था. सबके साथ सबको वोटिंग राइट्स मिले थे. तो हम लोग देख रहे हो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड, देख रहे हो कि कहां तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी में विश्वास किया है. कोई कितना भी कम नंबर ऑफ पीपल हो, उनकी संख्या कितनी भी कम हो, ठीक है? चाहे जैन्स आप देख लो, बौद्ध देख लो, कितने छोटे से, लाइक 1% से भी कम है ये लोग, ठीक है? फिर भी सबको इक्वल राइट्स हैं, वुमेन हो, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, सबको इक्वल राइट्स हमारे वहां. यस सर, बात करेंगे. सर इस पार्लियामेंट में, सर ये जर्मनी का पार्लियामेंट है. इशिका कंसल, भानवी कुशवाहा, शांभवी मौर्य लेफ्ट द मीटिंग, हिमानी प्रसाद, यस सर, पढ़ो बेटा. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल एंड ऑल जर्मन नेशन असेंबली ऑन 19th May 1848. 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्चेस इन अ फेस्टिव procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to Parliament. जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जर्मन रेन में क्या था कि सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की बात की 19th May 1848 को. 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने मार्च किया सेंट पॉल चर्च की तरफ और वहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया
जो कि जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि एक ऐसी मोनार्की द्वारा वो लीड किया जाएगा जिसको आंसरेबल हो किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। ऑब्स्टिकल्स क्या कहते हैं, पढ़ दे बेटा आगे। ऑब्स्टिकल्स, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली व्हाइल द अपोजिशन ऑफ द aristocracy and military became stronger. The social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. Issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. They were denied suffrage rights during the election of the assembly. ऑब्स्टिकल्स क्या थे कि जो वहां के जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो किंग था प्रशिया का, उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और अलग दूसरे मोनार्क के साथ मिलकर के इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने लगा। अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो डिमांड्स थी आर्टिजंस की और लोगों की, उस पर उन्होंने इतना वो नहीं कर पाए और उनको उनका सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया, वो हट गया वहां से। इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद द लिबरल मूवमेंट दैट दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। मतलब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम था कि उन्होंने बात की थी सबको राइट्स मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे, और वुमेन को राइट ही नहीं दिया, तो उनको भी थोड़ा सा लगा कि भाई हम नहीं खेल रहे यार, ये तो गलत तरीका तुम्हारा। आउटकम्स ये भी पढ़ दो बच्चा। Outcomes: through conservators, forces were able to suppress liberal movements in 1848. They could not restore the old order. In the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the chances that had already taken place in the Western Europe before 1815. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. अश्मित, यस सर, बताओ क्या मतलब है आउटकम्स। यस सर, जो सर कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने फिर लिबरल्स को सप्रेस कर दिया था, बट वो तब भी उनको लगा कि अब मूवमेंट्स उठेंगे, तो उन्होंने फिर थोड़ा बहुत मानना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हैब्सबर्ग रूलर्स ने ऑटोनॉमी दी थी हंगेरियंस को 1867 में। और सर यही था कि चेंजेस आने लग गए, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में जैसे पहले 1815 से पहले आ गए थे चेंजेस, अब वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी धीरे धीरे आने लगे 1848 के बाद। मतलब सर एक चेंज आ गया उनकी वजह से। एक बेसिक डिफरेंस ये आया कि जो सिर्फ एक छोटे एरियाज में शुरुआत में हो रहा था चेंजेस, वो बाद में फिर अगर हम देखें तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी वो धीरे धीरे शुरू हो गए जो वेस्टर्न यूरोप में आए थे। यानी वेस्टर्न यूरोप मतलब कौन सा एरिया हो गया, फ्रांस और ये वाला, समझ रहे एकदम बाहर वाला, वो प्रशिया और ये सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में भी शुरू हो गया था धीरे धीरे। भाई रशिया में भी, जर्मनी में भी सब हो रहा था ना धीरे धीरे। हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे उन लोगों ने हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी कि भाई ठीक है अपने तरह से सरकार चलाई, जितना आप कर सकते हो वो सब करिए। तो ये पूरा यहां तक है सर। एक ना फॉग्ड वर्ड यूज, उसका मतलब क्या है? forged फॉग्ड, फॉर्ज्ड होगा बेटा, फॉर्जरी के लिए होगा। यस सर, उसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्जरी मतलब धोखा देना। और सर फॉर्ज्ड अगर ईडी हो तो लास्ट में? धोखा दिया। ओके सर। एंड सर जैसे हमारे पेंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है, जैसे लेबम के बारे में लिखा था कि वो जर्मन जैकोबिन में थे ऐसे ऐसा, तो पेंटर्स के बारे में भी जानना होगा ना थोड़ा सा। ओके सर। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, ये कैसे यूनिफाई हुआ है जर्मन, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। द लिबरल्स इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय जंकर्स ऑफ प्रुशिया।
लिबरल्स का इनिशिएटिव क्या था कि भाई वो लोग एक अलग नेशन बनाएंगे, एक ऐसा नेशन बनाएंगे जो कि मोनार्की को थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ाए, पर मोनार्की और मिलिट्री के सपोर्ट दोनों के जो मिलकर कंबाइंड फोर्सेस थे वो उनसे क्या वो खत्म हुआ, वो उन लोग को दबा दिया गया, तो क्या हुआ फिर जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ? ये बेसिकली ओटोवन बिस्मार्क था, चीफ मिनिस्टर था बेसिकली ब्रुशिया का, ठीक है, इसने इसे लेड किया था, ठीक है। तीन वॉर्स हुए थे 7 सालों तक, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़कर लड़ाई लड़ी थी। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग केसर विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड एज अ एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट अ हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्सल्स। मतलब कि प्रशियन जो किंग था केसर विलियम वन, उसको वहां का एम्परर बना दिया गया जो कि पैलेस ऑफ वर्सल्स में, ठीक है। और फिर जो उसके वॉर होने लगे, तो तीन वॉर हुए थे ऑटोमन बिस्मार्क के लीडरशिप में, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, जिसमें प्रशिया जीत गया था। इट मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस बिकेम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, और धीरे धीरे पूरे जर्मनी में जो उसके मॉडल था, जो उसकी प्रैक्टिसेस थी, जैसे ये काम कर रहे थे, वो ऑटोमन बिस्मार्क की जो जो प्रैक्टिसेस थी वो पूरे जर्मनी को उसने काफी इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, और जर्मनी एक यूनिफाई हो गया, ठीक है। धीरे धीरे हम ये देखेंगे प्रशिया बिफोर 1866, ये वाला जो है दिखाई दे रहा है डार्क वाला रीजन, ठीक है। बाद में प्रशिया ने उसे ऑस्ट्रो पर्शिया वॉर में उसने जीता, प्रशिया ने, जो व्हाइट वाला रीजन है, हैनोवर और ये हेनेसन ऐसा वाला, ठीक है। और ज्वाइंड विद प्रशिया टू फॉर्म जर्मन कोलेबरेशन इन 1867। ये जो नीचे वाटरबर्ग वाला, बेडन वाला, बेलवेरिया वाला, जो बेलेरिया वाला जो पार्ट है वाला, ठीक है, साउथ जर्मन, नहीं नहीं सॉरी, ये वाला थुरिंगेन जो स्टेट है वो वाला उसमें था, फिर साउथ जर्मन वाला जो एरिया है वो नीचे से, फिर वो प्रशिया को ज्वाइन किया उसने 1871 में, और वॉन बाय प्रशिया इन फ्रेंको प्रशियन वॉर, जो ये इधर वाला एरिया हम देख रहे हैं, राइनलैंड के ऊपर वाला जो एरिया छोटा 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 दिखाई दे रहा है, जहां पर ब्रिंसविक लिखा हुआ है वो वाला एरिया, तो ये पूरा मिलकर के इन्होंने प्रशियन एक तरीके से एम्पायर बना दिया, और फिर वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहलाया, पूरी दुनिया उसमें जोड़ दिया गया, जर्मनी को एक कंट्री बना दिया गया। इटली कैसे यूनिफाई हुआ है? सर ये क्वेश्चन आंसर था कि फ्रैंको प्रशियन वॉर या ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर कब हुई थी, जैसे लिखा भी है। बहुत कम आ सकता है, इसके चांसेस कम है, हालांकि याद करने में कोई बड़ी चीज नहीं है, 1871 एक लाइन है, ठीक है, एग्जाम यूज कर सकते हैं पॉइंट्स, क्योंकि आप बुक में तो है, लिख तो सकते ही हो, लिख तो तुम बिल्कुल सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, बुक में तो है, आराम से लिख सकते हो। ओके सर। लेकिन ऐसे खुद से क्वेश्चन बहुत कम आया कि क्या बोलते हैं इसको, कोई भी वॉर अगर इस तरह का, अगर उसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, तो मान लीजिए जैसे कि फ्रेंको प्रशियन वॉर कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, तो ऐसा बहुत कम होगा, हालांकि आ भी सकता है तो तुम याद कर लो, ठीक है, कि फ्रेंको प्रशियन वॉर हुआ था 1871 में, जिसे प्रशिया ने जीता था, बस सिंपल। ओके सर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इटली की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली हब्सबर्ग एम्पायर था, मल्टीनेशनल अलग अलग एरियाज में, उसी उसे बना हुआ था इटली। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। आउट ऑफ 7 ओनली सर्दिनिया पेडिमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस हाउस, मतलब एक एक एरिया था जो कि प्रिंस इटालियन प्रिंस उसे डोमिनेट करते थे, बाकी सब अलग अलग हो रहा था अलग अलग स्टेट्स के थ्रू। इन द नॉर्थ देयर वाज डोमिनेंस ऑफ पोप, इन द साउथ डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन प्रिवेल्ड, यानी नॉर्थ वाले एरिया में पोप की बात थी, उनकी बात मानी ज्यादा मानी जाती थी, और सदर्न पार्ट में जो स्पेन का जो किंग था बर्बन डायनेस्टीज का, तो उसकी बात मानी जाती थी। गेसेपी मेज़िनी 1830 में उसने क्या किया कि पुट अ प्रोग्राम्ड यूनिट इटालियन रिपब्लिक, मतलब उसने कहा कि हम एक काम करें, पूरी इटली को हम यूनिफाई करेंगे। कैसे करेंगे?
उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई कॉल्ड यंग इटली, जो हालांकि फेल्ड कर गई, ठीक है। फिर 1848 में किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने सर्दानिया जो है उसने इनिशिएट किया इटली, यूनाइटेड इटली का थ्रू वॉर, यानी युद्ध लड़कर के चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। कैवा वॉज इटालियन एलाइट हु स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, यानी एक ऐसा इटालियन था वो व्यक्ति कैवर जो कि फ्रेंच बहुत अच्छी बोल सकता था। उसने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया और ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा दिया। गेसिपे गैरिबाल्डी ने क्या किया कि 1860s में डेमोक्रेट था बेसिकली, जो कि सदर्न इटली का यूनिफिकेशन चाहता था और चाहता था कि वो एक यूनिफाइड कंट्री हो जाए। तो उसने क्या किया कि वो साउथ इटली की तरफ उन्होंने मार्च किया और वहां पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ किंगडम ऑफ द टू सिसिलिस को उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद 101 साल क्यों लग गए इन्हें किंग बनाने में उसे? क्योंकि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करना होता है ना, और जरूरी नहीं कि 1859 के 1 जनवरी को ही वो हुआ था, नहीं सर, एक साल, 3-4 महीने, 5 महीने की बात थी। तो सर 100 साल लग गए। कहां 100 साल लग गए सर? देखो ना, वो 1860 के बाद फिर 100 साल बाद, मतलब 101 साल बाद फिर विक्टर इमैनुअल टू को जो किंग बनाया उन्होंने। 61 है, 1961 गलती से लिखा गया, वो तो 1861 में बन गए थे। हाँ तो कहाँ लिखा है 1961? सर बिल्कुल लास्ट लाइन में, 1961 विक्टर इमैनुअल सेकंड। ओके, अरे तो ये गलती से लिखा है बेटा, वो 1861 ही है। लो, खुश? तू भी बड़ा सटायर मारता है रे, सीधे नहीं बोल सकते सर गलत लिखा हुआ यहाँ पर। अब मैं बोल रहा हूँ कि 4-6 महीने वाली बात है, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया उस पे नंबर पे, ठीक है। 1861 विक्टर इमैनुअल वाज प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है, उसको एज अ किंग वहां पर प्रोक्लेम किया गया। इन इटली यूनिफिकेशन द पीजेंट्स वर अनअवेयर ऑफ द मूवमेंट एंड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव्ड दैट ला इटाला वाज इमैनुअल्स वाइफ। मतलब वो एक ऐसा ये फ्रेज थी ना जो काफी की पूरा एक कंट्री, जैसे हम भारत माता की जय बोल सकते हैं या वंदे मातरम बोल सकते हैं, तो गांव के लोग उसे सुने नहीं थे वर्ड को, तो वो सोचते थे कि इमैनुअल की वाइफ का नाम है लाटिला। तो सर वो इमैनुअल की वाइफ के लिए लड़ने को तैयार हो गए? राजा की वाइफ के लिए लड़ने को तैयार हो सकते हैं ना, अपनी रानी के लिए सर, अपनी रानी के लिए। वाओ सर। अरे यार एक बात बताओ, सुग्रीव, हनुमान, ये लोग क्यों तैयार हुए थे लड़ने के लिए रावण से? सर वो जमाना तो पुराना था ना। जमाना, अरे चलो ठीक है, ऐसे ले लो, अगर आज हमारे कंट्री के हेड को कोई मारेगा या उनके परिवार को कोई मारेगा या उनके कहना चाहिए कुछ भी, किसी भी टीम मेंबर को मारेगा, तो क्या हम लोग लड़ेंगे नहीं? क्या हमारी फौज लड़ने नहीं जाएगी क्या? यस सर लड़ेंगे। ओके सर, ठीक है, चलिए ब्रिटेन की बात हम करते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरे के ये अलग अलग स्टेट से पहले 7 दिख रहे हैं ना अलग अलग। यस सर, यस सर। बाद में इन्होंने पूरा एक ये कंट्री एज अ फॉर्म कर लिया, ठीक है। सर ये जूते के शेप का देश है एकदम। सर पेपल स्टेट्स कहाँ, कौन से रीजन में लाया करता था? कौन सा? मिडल। पेपल स्टेट्स ये रहा ना बेटा लाइन, देखो नाम मिडल में है। ओके नाम सर, नहीं पर है मिडल में। यस सर, दिख गया। दिख गया? हाँ ये रहा। सर ऐसा रीजन क्या था कि सैन मेरिनो को वो कंकर नहीं कर पाए, वो भी अलग ही है बेटा? इसके लिए प्रॉपर किस दिन तुम्हें वहां पर इटली के उसमें एक क्लास देनी पड़ेगी, तब पूरा समझने में आएगा, ऐसे समझ नहीं आता एक छोटा सा चैप्टर पढ़ के। ब्रिटेन के बारे में सर, ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश बेसिकली क्या था कि कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था 18 सेंचुरी तक, ठीक है। Primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnics, English, Welsh, or Scot or Irish. Basically क्या है कि England हो गया, London हो गया और Great Britain हो गया। अगर आप इसमें तीनों में difference समझ गए
तो आप ये पूरा समझ जाओगे क्या स्थिति है। ठीक है, लंदन एक सिटी है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड बनता है इंग्लैंड और वेल्स को मिला करके, लंदन और वेल्स को मिला करके, ठीक है, और उसके बाद उसमें जोड़ा गया एक प्रॉपर 1868 में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई गई और इंग्लिश और वेल्स को मिला करके इंग्लैंड बनाया गया। फिर 1707 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन आया जिसमें स्कॉटलैंड को उन्होंने जोड़ करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड बनाया, ठीक है, और हालांकि उस पार्लियामेंट में ब्रिटिशर्स का ही ज्यादा वो था, प्रभाव था, और वो वहां पर प्रॉब्लम हालांकि थोड़ी बहुत हुई उससे, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज ऑफ वो जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी उसको उन्होंने बोलने से मना किया, उनको बोला गया कि आप अपने एरिया को छोड़ करके अलग इस एरिया में आके रहना शुरू करो, ये करो वो करो, तो ये भूल गए उनके साथ भी। सेम 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में पूरा वो कर लिया गया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लंदन, व्हाट इज इंग्लैंड एंड व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड इज इंग्लैंड एंड लंदन एंड वेल्स, वो पूरा इलाका। ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है स्टार्टिंग में था स्कॉटलैंड को जोड़ने के बाद, फिर आयरलैंड को भी जोड़ दिया, तो वो ग्रेट ब्रिटेन वो पूरा बन गया। ठीक है सर, ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड को जोड़ने के बाद बना या फिर आयरलैंड को भी जोड़ने के बाद बना? स्कॉटलैंड को जोड़ते ही उसे यूनाइटेड किंगडम बोला गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड ये बोला गया था उसको। ठीक है ओके सर, और जब भी हम ब्रिटेन बोलते हैं उसमें ही सब आ गया, आयरलैंड भी आ गया। ग्रेट ब्रिटेन में तीनों आते हैं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम अगर हम खाली बोलेंगे तो बेसिकली यूके में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड ही, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ही है, लेकिन अगर वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा तो वो तीनों आ जाएंगे उसमें। ठीक है ठीक है। फॉलोइंग सिंबल्स थे उनके ब्रिटेन के, ब्रिटिश फ्लैग जिसका नाम यूनियन जैक था, जिसने बहुत सालों तक भारत पर उल्टे सीधे हरकतें करवाई। ठीक है, नेशनल एंथम वहां का, गॉड सेव देयर नोबल किंग और क्वीन और व्हाटएवर जो भी उनका वहां पर होता है। अगर अब जैसे आप क्वीन है तो यहाँ पर गॉड सेव आर नोबल क्वीन हो जाएगा किंग। यस सर, बाकी सब मर जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ वहां पे नहीं को तो कुछ वो नहीं है, लैंग्वेज वहां की इंग्लिश है। ठीक है, विजुलाइजेशन ऑफ द नेशन, ये बहुत समझ के पढ़ने वाला पार्ट है बच्चा। ठीक है, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वैभव तू ही पढ़ बेटा, या ओके सर समय कम बचा है नेक्स्ट क्लास के लिए देख लें। विजुलाइजेशन ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 18 रुक जा रुक जा रुक जा, कितना टाइम बचा है? ओह 3-4 मिनट रह गए, बताओ सर ये वाला पार्ट करा दो, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। नहीं बेटा ये समझने वाला पार्ट है, ऐसे नहीं होगा, इट टेक्स लाइक 10 मिनट्स अराउंड। यस सर, ये एलजेब्रा की तरह है। देखने में इजी है लेकिन बहुत बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, खासतौर से वो रेड कैप और वो ब्रोकन चेन और ये सब जो सिंबलिज्म है ना, वो सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, या फिर एलेगोरी जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना है। एक काम करते हैं, ऊपर का वापस से देख लेते हैं, अगर कोई इशू है तो उसे वो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे इसको विजुलाइजेशन ऑफ द नेशन से ही शुरू करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको मैं एक चीज दिखाता हूँ तुमको। ये जो पांच ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको यार डेली कर लिया करो एक बार घर पे, कोई बता सकता है इनके आंसर्स? यस सर चल, अच्छा दूसरे की भी आवाज आई, वेरी गुड, चलो बताओ तो फिर जरा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का ए है सर, मोनार्कियल गवर्नमेंट, शाबाश। सेकंड का सी है सर, सेकंड का सी है, ठीक है। तीसरे का, थर्ड का बी है सर, सर फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। नेपोलियनिक कोड, डी है सर, सारा कुछ था। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी, राइट टू प्रॉपर्टी भी, और वाइपिंग आउट प्रिविलेजेस बाय बर्थ,
ये तीनों थे ठीक है. फिफ्थ फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी और यही था. एक सेकंड, व्हाट सीम टू ओवरवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यस सी तो नहीं होगा. नो सर, वो तो स्मूथन हो गया. चलो ठीक है, ऐसे सेकंड में भी दे रखे हो, नीचे भी दे रखे मैंने बहुत सारे, उनको कर लिया करो. क्वेश्चन आंसर्स हैं, वन वर्ड हैं और वो सब चीजें हैं. देखा है तुमने कभी? यस सर देखे हुए. यस सर करवाते थे सर. ये क्वेश्चन है पुराने इयर्स के, ये फिल अप द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग द ब्लैंक वो हैं, कॉलम्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. ये क्वेश्चन आंसर कर लिया करो यार घर पे कुछ, ठीक है? ओके सर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम फिर से ऐसे विजुलाइजेशन ऑफ द नेशन से शुरू करेंगे ठीक है सर. ऑस्ट्रेलियन एम्पायर की एथनिसिटी है वो याद रखनी पड़ेगी सर ज्यादा. थोड़ा सा कर लोगे तो यार कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अलग अलग तरह की सर, उनको ज्यादा ही डिविजन है प्रॉपर बताया हुआ है जगह जगह को, छोटे छोटे एरिया का भी प्रॉपर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर लो यार एक बार ठीक है. ओके सर, अगर टाइम बचता है तो प्रॉपर कर लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं. ठीक है बच्चों. यस सर, बाय सर. ऑलराइट सर, गुड नाइट. गुड नाइट सर. थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर. सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट पहले तो इसे पूरा हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं. सर ज्योग्राफी करेंगे आप? हाँ ज्योग्राफी, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी करेंगे. ओके सर. ओके.